जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं सुपर क्रिकेट। तो दोस्तों, चार बार के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग अब पांचवी बार ट्रॉफी उठाने से सिर्फ एक कदम दूर है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि चेन्नई सुपर किंग क्वालिफायर वन मुकाबले में गुजरात टाइटंस को पटकनी दे दी है। बता दें कि यह लड़ाई सिर्फ एक जीत नहीं है, यह लड़ाई चेन्नई सुपर किंग के लिए एक सम्मान का भी लड़ाई था, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस में इस मुकाबले से पहले कुल तीन मुकाबले हुए थे, लेकिन बता दें कि यह तीनों मुकाबले चेन्नई सुपर किंग हार गई थी। ऐसे में जब यह मुकाबला घर में हो रहा था, किसी भी हाल में जीतकर अपना सम्मान भी बचाना था। यह काम बखूबी निभाए हैं कप्तान एमएस धोनी को पटकनी दे दी। बता दी कि इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी और चेन्नई सुपर किंग की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और कन्वे ने शानदार बल्लेबाजी की। जहां ऋतुराज गायकवाड़ शानदार 60 रन बनाए, वहीं कन्वे ने 40 रन बनाए। बता दी कि बॉलिंग में शमी को 2 विकेट मिला और मोहित शर्मा को 2 विकेट मिला। चेन्नई सुपर किंग जो कि 172 रन का एक शानदार स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में गुजरात टाइटंस के कुछ खास बल्लेबाजी नहीं हो पाया। शुभमन गिल के अलावा कोई भी बल्लेबाज लंबा टिक नहीं सका। बता दें कि शुभमन गिल शानदार 42 रन बनाए, लेकिन आखिर में राशिद खान ने शानदार बल्लेबाजी की और 30 रन बनाए, लेकिन यह जीत के लिए काफी नहीं था। वहीं बॉलिंग में बात करें तो रविंद्र जडेजा को 2 विकेट मिला और महेश तीक्ष्णा को 2 विकेट मिला, और इस तरह से यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग 15 रनों से जीत लिया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई सुपर किंग बनेगी इस बार फिर से आईपीएल का विजेता या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, यह खबर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।